सभी मलिक मुर्रा लवर चैनल देखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जैसे कि आपको पता है, अपने चैनल के ऊपर, आपके अपने चैनल पे आपके प्रॉब्लम या आपके कमेंट के आधार पे वीडियो डाली जाती है, तो मैं बार बार कुछ भाइयों के कमेंट देख रहा हूँ कि फर्स्ट लैक्टेशन में जो भैंस दूध देती है, जोटी दूध देती है, उसकी अपेक्षा वो सेकंड लैक्टेशन और थर्ड लैक्टेशन में कितना प्रतिशत उसका दूध बढ़ता है। तो ये आपने पूछ लिया, आपके लिए तो बहुत शॉर्ट सी बात है ये, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा एक विषय बन जाता है, टॉपिक बन जाता है। तो ये जो इतना आसान नहीं है, इसको एक मिनट में आपको मैं आपको बता पाऊँ या कॉल पे, तो अपने आप में एक टॉपिक है ये। तो दूध बढ़ना लैक्टेशन पे डिपेंड नहीं करता कि फर्स्ट से सेकंड में कितना बढ़ेगी, सेकंड से थर्ड में कितना। ये अहम मुद्दा है अकॉर्डिंग टू एज, वो एज पे डिपेंड करता है कि आपकी भैंस ने पहले काउइंग पे किस उम्र में बच्चा दिया है, उसी के हिसाब से हम भैंस का जो दूध है वो प्रतिशत में बढ़ता है। इसकी स्टैंडर्ड यदि हम एज माने तो जो भैंस 2 से 4 दांत बच्चा देती है, 2 से 4 दांत, वो थर्ड लैक्टेशन तक दूध बढ़ाएगी। फर्स्ट से सेकंड में कितना बढ़ाएगी वो 25%। और फिर इसके ऊपर एक अलग टॉपिक हो जाता है, 25% की बजाय वो 50% भी बढ़ा सकती है। वो कैसे? जैसे फर्स्ट लैक्टेशन में कोई भैंस 2 से 4 दांत किसी के पास ब्यागी और उस बंदे के पास उसको प्रॉपरली केयर नहीं हो पाया, कहने का मतलब उसने दूध देना था फर्स्ट लैक्टेशन पे 16 किलो, उसने दूध कितना दिया उस बंदे के पास में 12 किलो। 12 किलो क्यों दिया? क्योंकि जितना उसको रिक्वायरमेंट चाहिए था केयर, दाना है, केयर है, फीड सप्लीमेंट है, उन चीज़ों का यदि अभाव रहा हो तो उसने दूध कितना दिया 12 किलो। और यदि वो हमारे जैसे या अच्छे किसी एक्सपर्ट के पास होती जो भैंस को प्रॉपरली डाइट देता है या उसकी पूरी तह तक जाता है, ये बात कह सकते हैं, तह लग जाना, पूरा उसका निचोड़ देखना, तो वो उसके 16 दे सकती थी, तो उसने कितना दिया 12। तो यहाँ पे क्या बात निकल के आई, 12 का 25% यदि वो बढ़ाती है तो 12 का आधा 6, 6 का आधा 3, 3 किलो बढ़ाएगी, 12 और 3, 15 किलो। लेकिन नहीं, यहाँ पे उसकी कैपेसिटी थी 16 की, और 16 का 1/4 कितना होता है 4 kg। तो 16 को 4 में ऐड कर देते हैं हम फर्स्ट के लैक्टेशन के दूध में 25% जोड़ की ने, तो 16 और 4, 20 किलो हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो भैंस जो थी आम आदमी की, वो 12 दे रही थी, वो फॉर एग्जांपल मैंने खरीद ली वो, तो वो उसको यहाँ पे प्रॉपरली आके ने केयर मिल गई, टोटल VIP केयर मिल गई उसको, तो वो चलेगी 20 किलो पे। अगला बंदा क्या बोल रहा था, बोला 12 किलो दे आई थी, सच्चा बंदा है तो, लेकिन हरियाणा में जनरली क्या होती है 12 वाली का भी 16 ही बताते हैं। हरियाणा में कोई भी भैंस सेकंड इलेक्ट्रेशन की हम लेते हैं तो किसी भी भैंस के नीचे 11, 12, 10 किलो कोई नहीं बताता, बोलते हैं पहले ब्याह तुम्हारी भैंस ने 16 किलो दूध दिया था। इस साल यदि हम भैंसे देखने घूम रहे हैं फील्ड में, हमारे आगे कोई 16 किलो की भैंस नहीं आ रही, और अगले साल सेकंड इलेक्ट्रेशन में जब जाएंगी तो सारी जो बोलेंगे 16 किलो थे इसके, तो अब कहाँ गई वो भैंस, आज कहाँ पे हो, ऐसी पिछले साल नहीं थी। तो चलो ये एक अलग बात है टॉपिक, वो तो आपको पता ही है सब लोगों को, पर ये बात इससे मैच खाती है इसलिए मैं बीच में बोल गया। तो वो चलेगी 20 किलो पे, तो ये तो 8 किलो दूध बढ़ गया, ये 8 किलो दूध नहीं बढ़ा, यहाँ पे दूध 4 ही किलो बढ़ा है, बट उसकी केयर नहीं मिली थी। तो नई बात निकल के आ गई ना, तो अब लोग मेरे से इस तरह क्वेश्चन कर लेते हैं, तो उनके वो मुझे सेटिस्फाई करना या फोन के ऊपर बताना, ये बड़ा एक टेक्निकल इश्यू है, जिसको कोई नॉलेज नहीं हो तो कुछ भी बक देगा अपने मुंह से तो फेंकना है, लेकिन मैं जो भी बोलता हूँ नाप तोल की बोलता हूँ, और आंकड़ों के और तथ्य के आधार पर बोलता हूँ, सीधी सी बात है। तो ये दो बातें आपको निकल की आ गई यहाँ पे कि उसकी को केयर पे यदि प्रॉपरली एक सही स्टैंडर्ड केयर है बंदे के, तो उसमें 25% दूध बढ़ता है। अभी आ जाते हैं एज पे, कोई कट्टी खीरी ब्यागी,
खीरी कट्टी भी आएगी, और उसके बाद उसने हर साल बच्चा दिया, यानी कि 11 से 12 महीने में बच्चा देती रही। तो ऐसी भैंस दांत कंप्लीट करने तक 4 बार काविंग कर जाएगी, तो वो चौथे लैक्टेशन तक दूध बढ़ाएगी, खीरी ब्या जाएगी। अगले साल वो 2 दांत कंप्लीट करके ना सेकेंडर पे ब्या जाएगी, 2 दांत कंप्लीट कर जाएगी, चौथे तोड़ जाएगी। जैसे ही चौथे दांत पूरे होंगे और छठे तोड़ेगी तो तीसरी बार ब्या जाएगी, और जैसे ही छठे दांत कंप्लीट करके आठवें तोड़ के ना वो चौथी बार ब्या जाएगी। मेरी जो जूली भैंस थी उसके ऊपर मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, वो दांत कंप्लीट करते करते 4 बार बच्चा देगी थी। उसकी बेटी शिबा भी 23 भी नहीं काविंग कर गई थी, आप लोगों को पता है। तो वो ऐसी भैंस चौथे लैक्टेशन तक दूध बढ़ती है, सेकंड पे 25% बढ़ेगी, तीसरे ब्याथ पे वो 10 से 15% दूध बढ़ाएगी जैसे कि, और चौथे ब्याथ पे 5 से 10% लग वो दूध बढ़ाएगी। तो इस रेशो में भैंस दूध बढ़ाती है, तो यहाँ एज फैक्टर मायने रखता है, न कि लैक्टेशन। एक एग्जांपल हम लेते हैं, 6 दांत कोई भैंस काविंग करती है, 6 दांत, तो 6 दांत जो भैंस ब्याएगी वो सेकंड लैक्टेशन पे 25% 25% यदि उसकी फुल केयर है तो दूध नहीं बढ़ाएगी, वो सिर्फ 15 से 20% हार्डली दूध बढ़ाएगी सेकंड ब्याथ पे, 15 से 20% सेकंड पे बढ़ाएगी, थर्ड पे बिल्कुल नहीं बढ़ाएगी, तो फोर्थ का तो नाम ही निशान नहीं है। तो ये डिपेंड करता है एज पे, जो दांतों के हम बीच बीच में गीत गाते हैं ना, दांत दांत, वो दांत का मतलब यही होता है, उसकी एज को डायग्नोज करते हैं और एज के हिसाब से हम दूध का अंदाजा लगाते हैं। ये दांत का रोल होता है और ये दूध का रोल होता है, कैसे कैसे दूध बढ़ती है। तो आप लोगों को मेरे हिसाब से इस वीडियो से सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, और आपके प्रश्नों का बड़े खुले से जवाब मिल गया होगा, और ये भी आप अपने दिल से सोचना कि कितना मुश्किल है हर चीज को कैलकुलेट करना और शॉर्टकट में बताना। धन्यवाद, वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।